हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 16 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस पे ही, और ये जो क्वेश्चंस होंगे गेट में आए हुए आईईएस में और टेक्स्ट बुक्स जो फॉरेन राइटर की टेक्स्ट बुक है, जैसे कि जेम्स एम गेरे, बियरन जॉनसन, उसके मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो भी अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसके। ये लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 17 में भी हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन इसी तरह से करें। लेक्चर नंबर 18, 19 और 20 में मैं मोहर सर्कल और स्ट्रेन एनालिसिस के ऊपर थ्योरी करूंगा या उसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लगभग 20 लेक्चर में हमने ये सब चीज पढ़ लेनी है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने लगभग क्वेश्चंस हर एक गेट के हर एक आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, टेक्स्ट बुक्स के अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आईईएस में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और ये क्वेश्चन हम लेते हैं। इसने क्या कहा, कोई 300 इस टाइप का कोई एलिमेंट दिया है, ओके, और इसका एक साइड व्यू दिया है, इसने साइड व्यू दिया है जिसमें कि ये सीम दिया है, वेल्ड सीम दिया है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको कहीं इंडियन राइटर्स की बुक में नहीं मिलेंगे। मैं बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, फॉरेन राइटर की बुक्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और देखना गेट में अभी तक देखो ऐसा आया नहीं, लेकिन आने लायक कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है, क्योंकि कुछ अजीब सा लगता है कि इस वेल्डिंग की सीम को देखे कैसे हम स्ट्रेसेस का एनालिसिस करें, लेकिन बहुत सिंपल है। तो यहां पर उसने इस टाइप का एलिमेंट दिया है, ठीक है, और इस तरह से इसने क्या कहा, सीम जो है वेल्ड सीम है वो ओरिएंटेड है एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री, जिस तरह से इसने डायग्राम में दिया है। तो इसने हमसे टो जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है, ये इसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसमें निकालने की, नॉर्मल हमें क्या निकालना है, नॉर्मल जो हमने सिग्मा एक्स वन से प्रूव किया था और टो एक्स वन वाई वन। अब ये सब चीज के लिए देखो जो मैंने माना है वो आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, नए आ रहे हैं तो आप जिस बुक्स में सिग्मा एन दिया होता है, टो दिया होता है, वही हम निकाल रहे हैं। तो सिग्मा एक्स वन की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन टू थीटा, यही हमने प्रूव किया था फॉर्मूला। और ये क्या प्रूव किया था, माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, यहां पर क्या आता था साइन टू थीटा, इधर आता था प्लस टो एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये हमने प्रूव कब किया था, जब मैंने एक एलिमेंट ऐसे लिया था, ये एंगल थीटा लिया था, और इधर की साइड टो एक्स वाई एक्स वन वाई वन माना था और इधर की साइड सिग्मा एक्स वन माना था, जब हमने ये वाला एंगल थीटा लिया था। और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, क्लियर। अभी मैं आपको सिग्मा एक्स वन और टो एक्स वन वाई वन निकालूंगा, यहां पर देखेंगे क्या वैल्यूज आ रही है, और उसके बाद हम कैसे एक एलिमेंट में ग्राफिकली इसको दिखा सकते हैं, एक एलिमेंट को हम कैसे दिखा सकते हैं ज्योमेट्री से, उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैसे स्ट्रेसेस आएंगी। सिग्मा एक्स की वैल्यू ये देखो प्लस के 2100 है, सिग्मा वाई की वैल्यू प्लस के 300 है। अब आपने भरनी है, वो मैं अब नहीं भरने वाला, मैं आपको सब बस वैल्यूज बताऊंगा। और हमने जो शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट लिया था वो इधर की साइड पॉजिटिव माना था, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा इस फेज में कोई पॉजिटिव माना था, लेकिन ये नीचे की साइड लग रहा है, तो यानी कि टो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 560 आ जाएगी। अब मेन बात रही थीटा की, थीटा की, अब ये जो थीटा है इसने क्या बताया, ये देखो ये ऐसे सीम थी और ये सीम क्या है एंटी क्लॉकवाइज 22.5 डिग्री पे है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 22.5 डिग्री और 2 थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। यहां बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, वो आप कर लेना, मेरे को डायरेक्ट आपको रिलेशन बता देता हूं। सिग्मा एक्स वन की वैल्यू 1440 किलो पास्कल आती है यहां से सॉल्व करके, तो एक्स वन वाई वन की वैल्यू कितनी आती है माइनस 1030 किलो पास्कल आती है। अब अगर आपके पास देखो सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है और सिग्मा एक्स वन भी है, तो सिग्मा वाई वन आ सकता है क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है। मैंने आपको बताया सिग्मा एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स वन प्लस वाई वन के बराबर होता है, इनका जो सम होता है।
तो यहां से आप सिग्मा वाई वन निकाल सकते हो जब इसको आप इधर पहुंचा दोगे, तो वहां से सिग्मा वाई वन की वैल्यू कितनी आ जाती है 960 किलो पास्कल पॉजिटिव में। सिग्मा एक्स वन निकाल दिया, सिग्मा वाई वन निकाल दिया और टो एक्स वन वाई वन निकाल दिया। अब क्यों ना हम इसको एक डायग्राम से दिखाएं। देखिए, जैसे पहले एलिमेंट ऐसे था, अब ये एलिमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा ये एलिमेंट, और इसमें जैसे सिग्मा एक्स वन को हम ऐसे दिखाते हैं तो ये 1440 किलो पास्कल आया है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो 22.5 डिग्री आता है वो यही आता है 22.5 डिग्री। सिग्मा थीटा की वैल्यू यही होता है वो थीटा जो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब इस फेज पे देखो, यही फेज है ना, इस फेज पे शियर स्ट्रेस माइनस का आया 1030 किलो पास्कल। तो इस फेज पे, इस पर्टिकुलर फेज पे नीचे की साइड दिखाएंगे, देखो कितना 1030 किलो पास्कल। नीचे की साइड क्यों? नेगेटिव में। और इस फेज की बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला फेज 22.5 डिग्री घुमाया गया है, क्योंकि ये वाला फेज पहले ऐसे था, ये वाला ए बी जो थी ऐसे था पहले, isn't it? इस फेस को हमने घुमाया तो ऐसे इसको दिखाते हैं, वही ये चीज इसको दिखा सकते हैं। अगर ये इधर आ रहा तो ये इधर आएगा, ये इधर आ रहा तो ये इधर आएगा, ऐसे तो हम इसको दिखा ही सकते हैं आराम से। तो हमने यहां पर देख लिया कि नॉर्मल स्ट्रेस इस सीम पे, जो वेल्ड सीम था उस पे 1440 किलो पास्कल आया, और जो शियर स्ट्रेस है वो 1030 किलो पास्कल आया है, नेगेटिव आया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस सीम पे, या जो भी हमने एलिमेंट, उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया का एलिमेंट दिया था, वो क्लॉकवाइज है। कैसे बोलोगे? शियर स्ट्रेस कैसे, एग्जैक्ट लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस 1030 किलो पास्कल है, क्या बोलेंगे? एक्टिंग क्लॉकवाइज। अब ये सब चीज आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे मेरे, कि मैंने पॉजिटिव में क्या माना है। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, अगेंस्ट द सीम। अच्छा, पिछले लेक्चर के लास्ट में जो मैंने आपको शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट बताया था, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं डायग्राम से। उसका डायग्राम रह गया था पिछले लेक्चर में, किसी ने कमेंट करके मेरे को बताया था कि इसका डायग्राम बता। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो थीटा पी है और जो थीटा एस है वो कितने एंगल से डिफर करते हैं? 45 डिग्री से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन है, हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? प्रिंसिपल प्लेन को 45 डिग्री को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करें आइदरवाइज, क्योंकि प्लस माइनस 45 डिग्री मैंने आपको बताया था थीटा एस। बिल्कुल, अब इसको डायग्राम से एक बार समझ लेंगे ना, तो फिर तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। देखो कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। देखो, हमने जो सिग्मा मैक्स है वो कैसे ऑब्टेन करा? सिग्मा मैक्स कितना एंगल रोटेट करके? थीटा पी वन रोटेट करके। थीटा पी वन पे वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आती है, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर पे, यही तो अब तक डिस्कशन किया है हमने बड़ा सिंपल सा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर पे हमें सिग्मा मिनिमम मिलती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होता है? देखो, यहीं से समझ आना चाहिए अब आपको, क्योंकि बहुत एंगल बन जाते हैं, थीटा पी टू होता है। अभी अलग अलग डायग्राम को अलग अलग स्केच से बनाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या बताया, आपने इस प्रिंसिपल प्लेन को 45 डिग्री घुमाना है, ठीक है। अब 45 डिग्री आपने घुमाया तो देखो कैसे होगा। अब आपने टो मैक्स निकालना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो 45 डिग्री। थीटा पी वन में 45 डिग्री एक तरह से ऐड कर दो, ऐसा ही है 45 डिग्री। ये जो आएगा टो मैक्स आएगा, क्लियर। और मैंने बताया ये टो मैक्स के ऐसे परपेंडिकुलर निकाल दो अब ये लाइन, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली टो मिनिमम आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा।
ठीक है। अब थीटा एस कौन सा होता है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये होता है थीटा एस वन। कोई इंटरव्यू में अगर ये ऐसे बना के आप समझा दो तो बहुत ही बढ़िया रह जाए। और थीटा एस टू, क्योंकि ये थीटा एस वन है, तो ध्यान से देखना ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनाया है, अगर ये थीटा एस वन है तो 90 प्लस थीटा एस टू, एस वन करके थीटा एस टू हो जाता है ये वाला एंगल। ये थीटा एस वन तो ये पूरा एंगल थीटा एस टू, तो आपस में इनका एंगल 45 डिग्री होता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कोई भी आप बुक फॉलो करें मिल सकता है। मेनली मैंने बहुत कम साधु सिंह की बुक में ये देखा है, ठीक है, नेट पे भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, देखो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अब जब हम ज्योमेट्रिकली इसको पढ़ेंगे मोहर सर्कल से, तो और ज्यादा ये वाला कंसेप्ट आपका पक्का होने वाला है, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हुआ, नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन, ये भी इसी बुक का है, जेम्स एम गेरे, क्या बोलेंगे उसको, गेर बोलेंगे, ठीक है, चलो नाम से अलग बात है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल की बहुत अच्छी बुक है, ओके, तो इसको आप देखें। ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसमें भी वेल्ड सीम का क्वेश्चन, मुझे बड़ा पसंद है ये वेल्ड सीम के क्वेश्चन। होता इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक एनालिसिस करना होता है, ठीक है, उस पर आपको स्ट्रेसेस निकालनी होती है और कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ये वेल्ड सीम का क्वेश्चन। और आपको इस बार में एंगल भी नहीं दिया होगा, आई एम श्योर आपको 250 ये डिस्टेंस दिया और ये 100 दिया है, आपको ये एंगल भी नहीं दिया हुआ, आपको एक तरह से एक प्लेट दे दी है और इसको कहा है एक तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है इस डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। तो आपको इसमें इसने डायग्राम से पूछा है कि सारी स्ट्रेसेस निकालिए और स्ट्रेसेस बताइए वेल्ड में, एक्टिंग फाइंड द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द वेल्ड, ये पूछा है। फाइंड इसने बताया डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ वेल्ड एंड शियर स्ट्रेस ऑब्वियसली एक्टिंग पैरेलल टू द वेल्ड, इसको मुझे निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल वही है जो भी हम पढ़ते आए हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि आपको वो जो प्लेन है जो हमने मानना था ना खुद, इसने बस एक ही वेल्ड के तौर पे दे दिया। ये एंगल अगर मैं पता कर लूं तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे, थीटा निकलेगा कैसे, पहली बात तो ये देखो, ठीक है। अगर ये 100 है और ये 250 है तो ये 10 थीटा से ये वाला एंगल निकल जाएगा और ये वाला एंगल सॉल्व करके 21.8 डिग्री आता है। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा टाइम बचाने के लिए, वैसे मैं बहुत स्लो बोलता हूं तो कम से कम यहां तो टाइम बचे, ठीक है। तो ये हो गया। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, सभी वैल्यूज अब मैं लिखता रहूंगा और सॉल्व करता हूं। देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है माइनस के 2.5 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी दी है 12 मेगा पास्कल, इट इज गिवन पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा भी अभी तो हमने निकाल दिया और उसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं थी, टो एक्स वाई अपना बाई एक्सएल का केस हो गया, 21.8 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा की वैल्यू उसने दे दी है, ओके। तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और सिग्मा एक्स वन का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन टू थीटा, सब वैल्यूज रखिए अपनी, थीटा बराबर रखिए वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप वैल्यूज भरिए और यहां से सिग्मा एक्स वन की वैल्यू सॉल्व करके कितने की, माइनस के 0.5 मेगा पास्कल आ जाएगी, क्लियर, ये हो गया अपना। उसके हम ये क्या कर रहे हैं, हम इस पे इसके ऊपर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं इस वेल्ड बीम पे, इस वेल्ड बीड पे, सॉरी, कौन कौन सी शियर स्ट्रेस, एक तो शियर स्ट्रेस लग रही होगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी सिग्मा, इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
और ये जो है कितने एंगल पे है, 21.8 डिग्री पे है। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो सिग्मा एक्स वन आ गया, और आपके पास जब सिग्मा अगर 2x1y1 भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, साइन 2θ प्लस 2xy cos 2θ। जब 2xy जीरो है तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया। सिग्मा एक्स की वैल्यू भरिए, सिग्मा वाई की वैल्यू भरिए, यहाँ पर साइन 2θ की वैल्यू भरिए, तो वो 5 MPa आ जाता है अपने पास। ठीक है, 2xy आ गया, तो सिग्मा वाई वन कितना आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स वन। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर से, आप देख सकते हैं। तो यहां से सिग्मा वाई वन भी आ जाता है अपने पास 10 MPa। ये सब आने से क्या होता है कि हम स्ट्रेसेस का एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई सिग्मा एक्स वन इतना आ रहा है इस बीम पे, ये 5 MPa है और ये इतना आ रहा है। अब ये शो करके भी दिखा देते हैं ना हम, शो करके कैसे होगा कि यार ये हमारी वेल्ड बीड थी, ये अपनी वेल्ड बीड थी, यहां पर इसके परपेंडिकुलर 10 MPa का लग रहा है, ये कितने डिग्री ओरिएंटेड थी, 21.8 डिग्री ओरिएंटेड थी। ठीक है, और स्ट्रेस अपना कितना है, 2xy कितना है, 5 MPa है, कितना 5 MPa है। तो इसको भी दिखा दूं पॉजिटिव वे में, 5 MPa। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हम इसको इसमें यहां से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने इसको दिखा दिया। दूसरी बात, अगर हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, ऐसा हम दिखा सकते हैं कि जो अपनी जी कितना है सिग्मा एक्स वन 0.5 आया माइनस का, तो ऐसा दिखा सकते हैं। और ये जो है ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो ये जो एंगल है कितना एंगल बना रहा है, 21.8 डिग्री ये वाला एंगल बनाता है। मैं बार बार इसीलिए बना के दिखा रहा हूँ, ये सिग्मा वाई वन की वैल्यू 10 MPa है, तो ये 10 दिखा सकते हो, ये 0.5 दिखा सकते हो, ये 10 दिखा सकते हो। और टॉ की वैल्यू इस फेस के लिए पॉजिटिव आई है, तो ये भी आप सिंबल जो है ऊपर की साइड दिखाओ, 5 MPa। तो ऐसा हम इसमें करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहां से पता लगे कैसे एक प्लेन पे हम स्ट्रेसेस को कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे हम कैसे स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, ये सब चीज हमने इसमें देख ली है। अगले लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें बल्कि हम शेयर स्ट्रेसेस का भी देखेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसने जो शेयर स्ट्रेस है अपनी इस टाइप का एक एलिमेंट दिया है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें तीन एक्सिस, तीन 3D का क्वेश्चन है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और इनके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। इस टाइप से एक बीम, एक पाइप टाइप दिया है, 30 mm का इसका डायमीटर है, ये 300 mm है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक 500 mm है, इसके परपेंडिकुलर क्या लगता है, एक 600 N का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 600 N का, 600 N का यहां पर फोर्स लग रहा है। ओके, उसके बाद 600 N का फोर्स लग रहा है, इसने क्या पैरेलल टू द जेड एक्सिस बोला है, ये जेड एक्सिस है, इसके पैरेलल लग रहा है। इसने कहा फाइंड द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एट अ पॉइंट पी। जब आप नॉर्मल और शियर स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए निकालोगे, उसके बाद इसने क्या कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन्स इन डिग्रीज। बहुत ही बढ़िया सवाल, गेट में 4 नंबर का है ये, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये 2007 या 2008 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कैसे इसमें इसको करना है। ठीक है, तो मैं इसको अब कराता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि यार अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि क्या क्या इसमें प्रोसेस हो रही है। देखने से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको ट्राई कराता हूं। ठीक है, आप भी ट्राई करें साथ में। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो ये 600 kN का फोर्स इस बीम पे लग रहा है, और मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल रहा हूं, तो एक तरह से इस टाइप से होगा ये। 600 N अगर ऐसे लग रहा है
और इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालनी है, तो ये 600 इनटू दिस का एक मोमेंट लग जाएगा, 600 इनटू दिस फोर्स का एक मोमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट उसको बोलते हैं, 600 इनटू दिस लेंथ 500, यानी कि 0.5, समझ रहे हो बात को, 600 इनटू 0.5 का एक मोमेंट लग रहा होगा। अगर ये वाला इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, देखो ये 600 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पर लग जाएगा, कितने का, 600 इनटू 0.5 का ये मोमेंट लग जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते सारी ये चीज समझ आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप, ये कोई बीम है, अब ये कोई सर्कुलर रोड है ना, अब होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक तो आपने चलो इसका बता दिया कि स्ट्रेस तो मतलब इसमें बेंडिंग स्ट्रेस से तो आपने निकाल दिया, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी, लेकिन इस पॉइंट पी पे ये जो 600 न्यूटन फोर्स है एक क्या लगाएगा, 600 न्यूटन फोर्स क्या लगाएगा, एक टॉर्क लगाएगा, या कह लो कि टॉर्क लगेगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ हुई है कि ये जो 600 न्यूटन के फोर्स को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 600 न्यूटन के फोर्स को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस का एनालिसिस हम दोबारा करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस का एनालिसिस हम दोबारा करते हैं कि ऐसे अगर ये है फोर्स, ठीक है, ये स्ट्रेस है, ठीक है, और ऐसे ये फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का, तो इस 600 न्यूटन के फोर्स को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये 600 न्यूटन का अगर आप इधर लगाओगे, इस पॉइंट पी के अबाउट एक मोमेंट लगेगा 600 इनटू दिस डिस्टेंस 300 mm, तो बेंडिंग मोमेंट जो एक्यूरेट आएगा कितना आएगा, 0.3 आएगा, 600 इनटू 0.3, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। ये जो 600 इनटू 0.5 का ये क्या है, टॉर्क है, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क है, क्या है, 600 इनटू 0.5 क्या है, टॉर्क है, जो कि इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये चीज इस क्वेश्चन में सबसे खास थी, मैं वही कह रहा था ना, पहले मैंने 0.5 कर दिया, वो गलत है, 0.3 आएगा, वो तो बेंडिंग आएगी, ये बीम को इस पॉइंट के अबाउट आप चेक करोगे तो बेंडिंग होगी इस पॉइंट की, अगर ये कोई पाइप है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है 600 इंटू 0.5 ये टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला वैसे तो हम सब चीज करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं, एम सिग्मा बी अपॉन इंटू ये वाई आ जाएगा, एम अपॉन आई इंटू वाई, वाई क्या होता है, हाफ ऑफ द जो भी डायमीटर है इसका, उसका हाफ हो जाता है, 30 mm दिया हुआ है इसका डायमीटर बीम का, तो वो कितना हो जाएगा, 15 mm हो जाएगा, 15 को किससे कर दोगे, सब कुछ अगर मेगा पास्कल में निकालना है तो सब कुछ mm में रहने दो, फिर सब कुछ क्या आंसर आएगा, मेगा पास्कल में आएगा। तो ये कितना है मोमेंट, कितना है 600, फिर इसको 300 से गुणा करके रखते हैं, कोई चक्कर नहीं, और I की वैल्यू क्या है सर्कुलर के लिए, कितनी होगी, इतनी होगी, m अपॉन I हो गया, y कितना हो गया, 15 आ गया, सब कुछ mm में कन्वर्ट करके रखोगे तो मेगा पास्कल में आंसर आता है, नहीं तो फिर पास्कल में आएगा। तो ये सिग्मा की वैल्यू 67 पॉइंट कुछ वैल्यू मेगा पास्कल की आ जाती है। मेरी बात शायद आपको समझ आ गई होगी, आपको बस यहाँ पर बेंडिंग और टॉर्क के बीच में डिफरेंस पता करना था। ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये बेंडिंग लगाता है, और ये वाला फोर्स इस पूरी बीम को देखो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। देखो ये पॉइंट अगर आप यहाँ पर फोर्स देखो तो रोटेशन नहीं होगी इस बीम की, रोटेशन होगी तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का मतलब रोटेशन मतलब टॉर्क लगेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, तो वो हमने इसलिए जब टॉर्क की बात आएगी तो हम इसमें टॉर्शन इक्वेशन लगाएंगे, इजंट इट, टॉर्शन इक्वेशन लगेगी तो वो भी देख लेते हैं अपन। देखो टॉर्शन इक्वेशन लगा लेते हैं, टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है, जिसमें टॉर्क की वैल्यू सीधा सीधा हमें पता है, पाई बाय 16 टो इंटू डी क्यूब, डायमीटर हमें 30 पता है इसका, टॉर्क इसमें डी है यार, तो ये टॉर्क बराबर क्या होता है, यहां से इक्वेशन क्या आएगी, इससे गलत हो रहा है, टी अपॉन जे बराबर टो अपॉन आर, यहां से इक्वेशन टॉर्क आपने निकाल दिया है तो शियर स्ट्रेस आपको निकालनी है। अब सही आएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 600 इंटू 500, रेडियस कितना आएगा इसका, 15 आ गया, जे की वैल्यू पाए बाय 32 है ना इंटू 30 की पावर 4 आ जाएगी, ये जे की वैल्यू आती है,
ठीक है, ये टॉर्क की वैल्यू जो मैं अभी लिख रहा था वो कहती है 16 पाई डी क्यूब इनटू टॉर्क। यहां से आप शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 56.51 शायद कुछ ऐसी वैल्यू आती है इसकी, आंसर आप चेक कर लें कैलकुलेट करके, ये वाली वैल्यू इसकी आती है। ठीक है, क्लियर, ये टॉर्क आ जाएगा, ये तो हमने शेयर स्ट्रेस वगैरह निकाल दी इसकी, क्लियर। अभी हमें क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है। तो देखो सबसे पहली बात, जहां जो क्वेश्चन में आपको पकड़ना है, ये क्वेश्चन में इस टाइप का स्ट्रेस का सिस्टम लगने वाला है, ठीक है, जो कि एक बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी, जिसमें कि आप एक बेंडिंग स्ट्रेस को आप सिग्मा एक्स मान के चलो, जो भी आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है 67 पॉइंट जो भी वैल्यू आई आपकी 9 मेगा पास्कल, सिग्मा दूसरी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो सिग्मा वाई वाली ये तो जीरो हो गई, और एक क्या लगेगी शियर स्ट्रेस लग रहेगी, वो आप इसको पॉजिटिव आई है तो ये भी आप इस डायरेक्शन में जो भी हम आप मान के चले हैं इतनी, ये इस तरह से आप इस स्ट्रेस के सिस्टम को दिखा सकते हो, क्लियर। तो आपसे अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को पूछेगा तो सिंपल हमें पता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई, यही होता है मैक्सिमम शेयर। सब वैल्यू पता है, ये आपको पता है सिग्मा वाई तो जीरो है, टो एक्स वाई की वैल्यू पता है, यहां से आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं लगभग 100 मेगा पास्कल वो आ जाएगी। क्या वैल्यू बढ़े, सिग्मा वाई जीरो, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये, टो एक्स वाई की वैल्यू ये, खुद कैलकुलेट करके देखें, ज्यादा बढ़िया है आपके लिए भी। अब प्रिंसिपल प्लेन्स, अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन्स निकालो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है अभी तक। टेन टू थीटा पी इक्वल्स टू टू टो एक्स वाई ऑन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सही है। अब टेन टू थीटा पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, तो ये टू ये कितना आ गया 56.56 जो भी आया है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने 67.9 मान लिया, सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो मान ली है, तो यहां से सॉल्व करके टेन टू थीटा पी आप निकाल दोगे तो 2 थीटा पी की वैल्यू यहां से लगभग आपकी 59 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है 2 थीटा पी की, थीटा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी यहां से आंसर, क्लियर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, है तो ये सब कुछ डायरेक्ट इस क्वेश्चन में, तो इस चीज तो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग लगाएगा दिस 600 × 300 का, क्योंकि इस फोर्स को आप यहां पर ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें, अगर कई बार क्वेश्चन में एक्चुअली में ऐसा भी लिखा था कि टॉर्क नेग्लेक्ट करो तब आप ऐसा नहीं शियर स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर सकते, लेकिन ये जो फोर्स है ये टॉर्क लगा रहा है, ये इस बीम को इस पॉइंट के ऊपर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए 600 × 500 का ये कपल लगा रहा है, एक टॉर्क लगा रहा है, तो उसके लिए हम टोर्शन इक्वेशन लगाई, शियर स्ट्रेस टो एक्स वाई उसके लिए निकाला, बेंडिंग इक्वेशन को हमने नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर करके करा, तब ये क्वेश्चन हो गया अपन। तो लगभग 3 क्वेश्चन हमने बढ़िया लेवल के इस लेक्चर में करे, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, इसमें 4-5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक मोहर सर्कल को स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।